हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप हमारी हिमालय ओडिसी को एंजॉय कर रहे हैं? बताइएगा ज़रूर। तो जैसा आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम थे लैंडोर की गलियों में और वहां उठा रहे थे ढेर सारी लुफ्त, और वहां से हमारा अगला पड़ाव था चंडीगढ़। जी हाँ, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। और वो इसलिए क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब जो रहते हैं वहाँ पर। अब मैं तो पहले कई बार आ चुका हूँ यहाँ, पर ग्लोकल कपल की दूसरी मेंबर के लिए ये पहली बार था, और उसकी जुबानी में कहूँ तो काफ़ी शानदार था। हमने सोचा था कि हम आज कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बट द अमाउंट ऑफ ब्यूटी दैट वी सी ऑल अराउंड, जस्ट कुडंट स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस एंड शोइंग इट टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी बढ़िया फैमिली टाइम, थोड़ी बहुत साइट सीइंग और बढ़िया सी खातिरदारी के बाद आज हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। आज यानी 11 नवंबर को। तो कालका जो कि बिल्कुल फुटहिल्स में है हिमालयस के, तो आपको रास्ते से ही पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, थोड़ा लेट हो गए हैं तो कहीं ट्रेन ना छूट जाए। क्या मैंने ट्रेन कहा? अरे यही तो है हाईलाइट आज की जर्नी का। तो जब तक हम ट्रेन पकड़ते हैं, आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। दोस्तों, पहुंच गए कालका रेलवे स्टेशन आफ्टर क्रॉसिंग द वेरी कंजस्टेड कालका टाउन। और मैं दिखा देता हूँ दिस हेरिटेज स्टेशन, आई थिंक ऑलमोस्ट 100 इयर्स बैक। तो ये है हमारा कालका स्टेशन। अगर अब हमें लेट हो रहा है तो अब हम भागेंगे प्लेटफॉर्म की ओर। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। बहुत भागा दौड़ी के बाद हम पहुंच गए। दिस इज द कालका शिमला रेलवे, और ये रही हमारी ट्रेन, छुक छुक थॉय ट्रेन। और ये है कालका शिमला स्पेशल एक्सप्रेस। इतने वीडियोस देखे, इतनी बार पढ़ा इस चीज़ के बारे में, बट जब तक आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर लो वो बात नहीं। हमारा कोच, ये दिखाता हूँ, कोई बैठा है इसके अंदर? अपेरेंटली किसी को लगा कि फ्लाइट की तरह हम 12:10 को बोर्डिंग करेंगे ट्रेन पे और 12:30 को ट्रेन छूटेगी, इसलिए हम लेट पहुंचे। और हाँ, इस जर्नी के लिए हमने बुक किया है फर्स्ट क्लास। तो आइए एक तोड़ देते हैं कि कैसा है ये कोच। तो घुसते ही आपको मिल जाएगा एक लगेज रैक जो काफ़ी यूजफुल है। उसके बगल में मिलेगा वॉशरूम, सीटिंग जो मिलेगी आपको वो 2x1 की मिलेगी, और द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स रिवर्सिबल। साथ ही साथ बड़े बड़े विंडोज़ मिलेंगे, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कूपे ढेर सारा लेग रूम। सो ऑल इन ऑल एक काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करती है। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, कुछ ही मिनटों में, चार मिनट में खुल जाएगी हमारी छुक छुक गाड़ी। कुछ बोलोगे? मेरे अंदर की खुशी का लगा लीजिए अंदाजा मेरी। ये खुल गई हमारी ट्रेन। KSR एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, बट इट्स ऑल्सो एन इंजीनियरिंग मार्वल। स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशंस एग्जैक्टली 118 ईयर्स बैक इन नवंबर 1903, इट वॉज फर्स्ट ऑफ अ काइंड। हम कुछ 95 किलोमीटर्स की जर्नी 5 से 6 घंटों में पूरी करते हैं। 2 बड़ी टनल्स, बहुत सारे ब्रिजेस और कुछ 20 स्टेशन को कवर करते हुए, and gaining almost 1500 meters in elevation. Koti Tunnel is the second largest and our first experience of this kind.
चुकी आ गई हमारी। ओहो क्या नजारा है, क्या क्या सड़क है। और ये रेल और ये गाड़ी, रेल गाड़ी एक साथ। क्या खा लिया अकेले? देखा जैसे मैंने कैमरा पर घुमाया चुपके से खा लिया। तो कालका से चलने के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे हैं धर्मपुर स्टेशन। ये कुछ 1300-1400 मीटर ऊपर होगा सी लेवल के। बाहर उतर के थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है, बट बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी ट्रेन, ये छोटा सा क्यूट सा स्टेशन लाइक ऑल द स्टेशन ऑन दिस रूट। और ये कोई बैठा है ट्रेन में जिसे मैं जानता हूँ। अरे वाह, क्या नाम है आपका? स्टेशन उस तरफ है, लोग उतर के कुछ खाने पीने का सामान कर रहे हैं, बट हमें भूख नहीं लगी। हमने कुछ चिप्स एंड केक बिस्किट्स ले लिए थे कालका में, तो नॉट रियली हंग्री। एक और ट्रेन क्रॉसिंग। तो अभी बज रहे हैं कुछ 2:40, निकलने के कुछ 2.5 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं इस जर्नी के सेकंड मोस्ट फेमस स्टेशन आफ्टर शिमला। सो बेसिकली इस जर्नी का सबसे फेमस स्टेशन एंड दैट इज़ द बरोक स्टेशन। ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे, अब पहली बार ठंड का एहसास हो रहा है इस जर्नी में। ये है 33 नंबर टनल, द बरोक टनल, और इसके ठीक निकलते ही आपको बरोक स्टेशन आप पहुंच जाओगे। यहाँ एक्चुअली 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 1 नंबर ये और 1 नंबर इस तरफ। आइए दिखाते हैं, और ट्रैक्स पर उतर कर ये रहा 2 नंबर स्टेशन। सच अ प्रिटी प्रिटी स्टेशन। और ट्रेन खुल चुकी है बरोक से, हमें लगा था थोड़ी देर और रुकेगी, थोड़े और फोटोज खींच सकेंगे, बट क्या क्या मिला है तुझे? हम वेज कटलेट्स। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन था। बरोक के ठीक बाद पहुँचे हम सोलन। सोलन हिमाचल का एक काफ़ी बड़ा शहर है, और ये देखिए अगर सोलन का बोर्ड दिख रहा हो, सोलन जैसा मैंने बोला बहुत बड़ा शहर है, और काफ़ी बड़ा सा शहर क्रॉस करके आए हम। आप चाहो तो बरोक में भी उतर सकते हो सोलन वाले, या फिर सोलन स्टेशन पे उतरो, बट यहाँ इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाउन। और कुछ है यहाँ का स्टेशन, सारे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत और हेरिटेज लगते हैं। In fact, it looks like a regular railway station of a big city. काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल है, और अब हम चल रही हैं। छोटा स्टॉप था 5 मिनट का, बरोक है तो बिगेस्ट स्टॉप, बट यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का है, तो ज़्यादा देर नीचे मत उतरिए। सीख झपकी मारी और हो गई रात। क्या बात क्या बात क्या बात, कहाँ है बताओ? समर हिल में, समर हिल। अभी भी ट्रेन के अंदर ही है। एक और ट्रेन, हर ट्रेन को हमारी हमारा ट्रेन रास्ता दे रहा है। बहुत ही जेनरस, बहुत बड़ा दिल है। तो पहुंचने वाले थे 5:30, अभी होने वाले हैं 6:30 शायद, क्योंकि 6 बज चुके हैं। अभी भी थोड़ा दूर है हमारा शिमला स्टेशन, बैटरी भी सुपर लो है, बट समर हिल में है अभी, जो सेकंड लास्ट स्टॉप है। अच्छा रुको, बैटरी अभी बहुत लो है और हम जा रहे हैं काफी स्लो है।
say what? और ये रहा शिमला का शहर। Finally घंटों की यात्रा के बाद पहुंच चुके हैं हम कहाँ? शिमला रेलवे स्टेशन। Finally कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन वो हाँ कहीं तो लिखा नहीं है। आएगा ये आया ये रहा थोड़ा शिमला। हमारे लेफ्ट में पड़ा है तो पार्डन अस फॉर द फॉगी विंडो। ये बड़ा स्टेशन है यार। गाइस साइनिंग ऑफ फ्रॉम शिमला रेलवे स्टेशन। कुछ 6:30 बज रहे हैं। ट्रेन 1 घंटे लेट थी। हर स्टेशन पे कई जगह से दूसरी ट्रेन को पास किया। बहुत मज़ा आया। और हमारा होटल जो है मॉल रोड पर ही है तो अपना सामान थोड़ा ज़्यादा है हमारे पास तो देखते हैं क्या करना है। टैक्सी लेकर होटल पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।